अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो लेडीज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक सोप। साबुन लेना आपने, अगर आपके पास साबुनदानी नहीं है तो बाहर से महंगी साबुनदानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको चाहिए होगा एक ढक्कन, सिंपल प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन है, तो इसको साबुन में आपने इस तरह ज़ोर से प्रेस कर देना है, और जब प्रेस करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त एक साबुनदानी तैयार हो चुकी है। आप साबुन को जहाँ मर्जी रखें, यह पानी इस तक नहीं पहुँच पाएगा और ज़्यादा देर तक साबुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गीला भी नहीं होगा और ना ही पिघलेगा। अब बाजार से महंगी साबुनदानी लाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस तरह की साबुनदानी तैयार करें और पैसे बचाएं। अगली टिप मेरी चूड़ियों से मुतालिक है, तो अगर आपने चूड़ियाँ महफूज करनी है ताकि पानी और हवा लगने से ख़राब भी ना हो, और अगर आप इन्हें बाहर ले जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पर्स में ये पीछे ना हो, तो इसको लिए एक बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त टिप है। आपको चाहिए होगी एक पुरानी सॉक या आपने एक जुराब लेनी है, नई ले लें या पुरानी ले लें। अगर आपके पास सिंगल पीस का जुराब का पड़ा है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने एक जुराब लेनी, तो उसमें इस तरह चूड़ियों को डाल के इस तरह फोल्ड कर लेना है, ठीक है? अच्छे से फोल्ड करके इसको पैक कर लें। अब आप आसानी से इसे बैग वगैरह में रख सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होंगी और पानी लगने से भी ख़राब नहीं होंगी। आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इसी तरह से ये ख़राब भी नहीं होगी। अगर आपके पास इस तरह के बेबी वाइप्स हैं तो उनके जो कंटेनर हैं उनको कभी मत फेंकें जब ये खाली हो जाए। अगर जब ये पैकेट खाली हो जाए तो इसको कभी मत फेंकें। इसके ऊपर जो लगा हुआ ये कंटेनर है, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। इस तरह के जब भी बेबी वाइप्स का पैकेट होगा तो आप उसको कभी नहीं फेंकेंगे। इसके इस्तेमाल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सो आपने बेबी वाइप्स का जो पैकेट है, उस जो खाली हो चुका हो, उसका आपने पैकेट से कंटेनर उतार लेना है। और मैं अब आपको बताती हूँ कि इस कंटेनर का हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हमें एक कंटेनर चाहिए जो इस तरह का हो, खाली हो, जो हमने ले लिया है। अब इसको हमने ना कवर करना है स्विच पर। हर घर में बिजली के जो बोर्ड होते हैं वो खाली होते हैं, जो बच्चों के हाथ आसानी से पहुंच जाते हैं। अगर आपके घर में इस तरह का कुछ छोटा सा बोर्ड है जिसके ऊपर बच्चे जो नीचे लगा हुआ है, अक्सर चार्जिंग के बेड की साइड टेक पे लगे होते हैं, तो वहां पे बच्चों का आसानी से हाथ पहुंच जाता है। तो इसके लिए हमें ये कंटेनर इसके ऊपर चिपका देना है, बिल्कुल आसानी के साथ चिपक जाता है। अगर ये ना चिपके तो आप इस पर कोई भी चीज से लगा के डबल टेप वगैरह का इस्तेमाल करके तब भी आप इसको आसानी से चिपका सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके ना जो बटन है इसके की हाफ साइड्स नीचे करके मैंने इसको लगाया है ताकि आसानी से इसके अंदर जो स्विच है वो चला जा सके। ये स्विच आसानी से बंद भी हो जाती है, इसको बंद करना बहुत आसान है। धनिया तो हर घर में मौजूद होता है और हर कोई इस्तेमाल करता है। धनिया की आज बहुत ही कमाल की टिप एंड ट्रिक लेके आई हूँ। धनिया को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी आसानी से आप इस धनिया को आसानी से एक महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आप देख कर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से मैंने एक महीने तक इस धनिया को महफूज रखना है। बहुत ही आसान और बहुत ही कमाल की टिप एंड ट्रिक है। बस इसी तरह आपने धनिया लेना है, जितना भी धनिया आपके घर में मौजूद हो, आपने उसके साइडों से इसकी कटिंग कर देनी है जिसके साथ ये बंधा हुआ है। धनिया को अच्छी तरह से साफ करके इसको आप एक साइड पे रख लें। तो इसी तरह हमने एक खाली बोतल लेनी है, आपने खाली बोतल लेनी है और उस पे इस तरह निशान लगाना है जिस तरह मैं निशान लगा रही हूँ, सेम इक्वल बराबर में। इसी तरह आपने इस बोतल को निशान लगाना है, अच्छी तरह से निशान लगाना है, एक साइड से ना हो, ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो आसानी से इसकी बराबर में कटिंग हो जाए। तो मैंने अच्छी तरह से निशान लगा लिया है, अब मैं इसकी कटर से अच्छी तरह से कटिंग करूंगी। सो मैं इसको, आप चाहे तो गर्म छुरी से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप कटर से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसान लगे। मैंने बोतल को दोनों तरफ से अच्छी तरह से काट लिया, आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से इसको मैंने कट कर लिया है। आप बोतल को खोलना आसान है, इस बोतल में हम आसानी से धनिया डाल सकते हैं। इसी तरह आपने इसको इसकी कटिंग करके और इसको इसमें अच्छी तरह से धनिया भर लेना है। धनिया आपने बिल्कुल इसी तरह एक साइड से, फिर दोनों तरफ से इसी तरह रखना है, इसको फिल कर लेना है। जितना आपके पास धनिया मौजूद है वो सारा इस बोतल में आसानी से आ जाएगा। अब मैंने अच्छी तरह से धनिया इसमें डाल दिया है और मैं अब इसको चारों तरफ से अंदर कर दूंगी धनिया को, ताकि धनिया बाहर ना रहे, और ये आसानी से अब ये बोतल में धनिया चला गया है
और इसके ऊपर हमने ढक्कन बंद कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से ढक्कन बंद कर देना। अब ये धनिया बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। बड़ी आसानी से इसमें धनिया रख दिया है। आप महीनों तक इसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं, ये कभी खराब नहीं होगा। आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह धनिया महफूज करने का कमाल का तरीका है। आई होप ये आपको टिप पसंद आई होगी। अगर टिप पसंद आई हो तो जरूर बताइएगा। एक टिश्यू पेपर लेना है आपने, एक टिश्यू पेपर जो घर में मौजूद होता है अक्सर, उसी टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करेंगे हम। और उस पे हम रखेंगे मीठा सोडा। ये मीठा सोडा वो है जो खाने में इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर हर घर के किचन में मौजूद होता है। इस मीठे सोडे को आपने टिश्यू पेपर के ऊपर इस तरह से रख के अच्छी तरह से इसको फोल्ड कर देना है। इस तरह फोल्ड करना है कि जो मीठा सोडा है वो नीचे ना गिरे। बस इस तरह इसको अच्छी तरह से फोल्ड करें, और फोल्ड करने के बाद इस पे कोई रबड़ वगैरह अच्छी तरह से लगा दें ताकि ये टिश्यू पेपर के अंदर से ये मीठा सोडा ना निकले। अब ये कमाल की चीज तैयार हो चुकी है। अक्सर हमारे जूते जो सर्दियों में पहने जाते हैं, बंद जूते जो गर्मियों में रखे जाते हैं, अगर गर्मियों में जूते रखने हो तो इसी तरह मीठा सोडा की पोटली बना के इस जूते के अंदर रख दें, और इससे आपका जूते की जो स्मेल है वो भी खत्म हो जाएगी और कोई कीड़ी वगैरह भी जूते के अंदर नहीं जाएगी। ये साफ शफाफ जूता रहेगा। और इसके बाद अगर कपड़ों को फ्रेश रखना हो तो भी इसी तरह मीठे सोडे की पोटली बना के आप अपनी सेफ अलमारी में कपड़ों के नीचे रख दें। इससे कपड़े ताजा और फ्रेश रहेंगे और कोई स्मेल भी नहीं रहेगी। जो मीठा सोडा है वो हर तरह की स्मेल को खत्म करता है और हर चीज को फ्रेश करता है। अगर आपके पास ऐसी सॉक्स हैं जिनमें से बहुत ज्यादा स्मेल आती है और वो साफ भी नहीं रहती, तो इसकी स्मेल खत्म करने के लिए भी हम इसी टिप का इस्तेमाल करेंगे। हमें चाहिए होगी बेकिंग सोडा और उसकी पोटली बना के हम सॉक्स के अंदर रख देंगे। एक घंटा रखने से ही आप देखेंगे कि सॉक्स की जो स्मेल है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे अभी नई ली है। टमाटर तो हर घर में मौजूद होते हैं और टमाटर को लंबे अरसे तक महफूज करना मुश्किल होता है। टमाटर को लंबे अरसे तक महफूज करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए होगी एक प्लास्टिक की बोतल। आपने वाटर बोतल लेनी है और इस तरह निशान लगाना है कि आपका हाथ आसानी से इस बोतल में दाखिल हो सके। तो आपने निशान लगाने के बाद इसको कटर से आसानी से काट लेना है। इसको काटने के बाद आपने इसकी साइडों पर अच्छी तरह से टेप लगानी है। आपने टेप आपके पास जो भी मौजूद हो आप आसानी से टेप लगा लें ताकि बोतल से कुछ चीज निकालते वक्त के हाथों पे ये बोतल के किनारे ना चुभे। तो इसकी आपकी ये आसानी के लिए आपने इस पे टेप लगा देनी है, और ये टेप लगाने से इसका ये फायदा होगा ये रखा हुआ भी अच्छा लगेगा। तो आपने टेप को अच्छी तरह से लगा लिया, और लगाने के बाद आपने फिर इसको ये बड़ा ही कमाल का, घर में कोई टोकरी या बास्केट वगैरह ना हो तो ये कमाल की टिप एंड ट्रिक है फ्रूट्स और सब्जियां वगैरह रखने के लिए। इससे आपको आसानी होगी, आपको महंगी बाजार से बास्केट या टोकरी लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बोतल को अच्छी तरह से तैयार करने के बाद हम लेंगे टमाटर। जितने आपने टमाटर महफूज करने हैं, किलो, दो किलो, पांच किलो, जितने भी टमाटर हो कोई परेशानी नहीं। टमाटर को महफूज करने की कमाल की टिप एंड ट्रिक बता रही हूँ जो होगी इस टेप के साथ। जी हाँ, आपके घर में जो सोल्यूशन टेप, जो भी अवेलेबल टेप हो, आपने वो टेप लेनी है और इस तरह के छोटे छोटे पीस बना लेने हैं। इसी तरह छोटे छोटे पीस बना के फिर आपने इन टमाटरों पे लगाने हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपने इसी तरह टमाटर के ऊपर लगाने हैं जिस तरह मैंने लगाया। सेम इसी तरह आपने एक एक करके इन सारे टमाटरों पे टेप लगानी है। इससे क्या होगा, इससे कि सारे टमाटर जो हैं वो ज्यादा देर तक महफूज रहेंगे और खराब बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप ये जरूर करके देखिएगा, आप हैरान रह जाएंगे कि टमाटर इतनी देर तक महफूज रह सकते हैं इस चीज को कवर करने से। अगर कोई टमाटर खराब भी होगा तब भी बड़ी आसानी से टमाटर को ज्यादा देर तक आप आसानी से महफूज कर सकते हैं। जिस बात का ध्यान रखना है कि अगर ज्यादा खराब हो टमाटर तो आप उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बहुत ही कमाल की टिप एंड ट्रिक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैंने सारे टमाटरों को एक एक करके अच्छी तरह टेप लगा लिया। अब मैं इन टमाटरों को बताती हूँ कि हमने अब करना क्या है। तो हमने इन टमाटरों को टेप लगाने के बाद हमने वही बोतल का इस्तेमाल करना है जो हमने पहले बनाई। तो ये रही वो बोतल जिस पे हमने टेप लगाई थी। आप देख सकते हैं कि इसमें आसानी से हाथ से जा सकता है। अब हम टमाटर लेंगे जो जिस पे हमने टेप लगाई थी, वो टमाटर एक एक करके हम इस बोतल में डालेंगे। इस बोतल में डालने से क्या होगा कि आप आसानी से इसको फ्रिज में रख सकते हैं और किचन में भी रख सकते हैं। इसी तरह से आपके टमाटर कभी नहीं खराब होंगे बल्कि ज्यादा अरसा तक महफूज रह सकते हैं। कमाल की टिप एंड ट्रिक है। आप चाहें तो किचन में रखें, अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज में रखें।
रखें, कोई मसला नहीं है। अगर फ्रिज में रखेंगे तब ये ज्यादा अरसे तक महफूज रह सकते हैं। मेरे घर में जब भी टमाटर आते हैं तो मैं इसी तरह टेप लगा के इसको फ्रिज में या किचन में आसानी से रख लेती हूँ। चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, आप टमाटर को ज्यादा देर तक महफूज रख सकते हैं। कमाल की टिप एंड ट्रिक है, आई होप ये आपको पसंद आई होगी। ये वाली टिप है चाबियों को लेके। अक्सर घर में चाबियाँ पड़ी होती हैं, कहीं पे भी गुम हो जाती हैं या आपको मिलती नहीं जब जरूरत होती है, तो चाबियाँ आपसे आपकी कभी नहीं गुम होंगी। बड़ी कमाल की इजी सी टिप है। आपके घर में अक्सर पिज्जा आता है और पिज्जे के ऊपर जो पिज्जा स्टैंड लगा होता है, ये छोटा सा टेबल है पिज्जे के ऊपर लगा होता है, इसको पिज्जा स्टैंड बोलते हैं। ये पिज्जा स्टैंड आपने लेना है और ये कमाल की चीज है आपकी घर की चाबियों को महफूज करने के लिए। इस चीज के बड़े बड़े फायदे हैं, मैं आपको मजीद डिटेल में भी बताऊंगी। फिलहाल मैं आपके लिए छोटी सी टिप एंड ट्रिक लेके आई हूँ। अब मैं बताती हूँ कि आपने इसका करना क्या है। सबसे पहले आपने पिज्जा स्टैंड लेना है और इसके ऊपर आपने डबल टेप लगानी है। जी हाँ, आपके पास डबल टेप है तो आप आसानी से इसके ऊपर कवर कर सकते हैं। सो मैं इस पर डबल टेप अच्छी तरह से लगाऊंगी। आपने सारे इस पिज्जा स्टैंड के ऊपर अच्छी तरह से टेप से इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है, ताकि जब भी हम इसे कहीं पे लगाएं तो आसानी से ये चिपक जाए। सो मैंने इस पर अच्छी तरह से टेप लगा ली है। पिज्जा स्टैंड को हम कहीं पे भी आसानी से, कहीं पे आपके घर में जहाँ पे आपने चाबियां लटकानी हो, आप आसानी से आप किसी भी जगह पर इसी तरीके से आसानी से इसको चिपका सकते हैं। बड़ी आसानी से चिपक जाती है। अगर आपके पास डबल टेप नहीं है तो आप एल्फी का भी इस्तेमाल करके इसी तरह चाबी वाला स्टैंड बना सकते हैं बड़ी आसानी से। आप चाहे तो इस पे मास्क, कोई तस्बीह वगैरह, कोई चीज है वो आपके घर में जो जिसकी जगह ना हो, आप आसानी से इसकी जगह बना सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। रब रखा, अल्लाह हाफिज।